बच्चे नेक्स्ट है वाक बोध विच डैश बारे दसिया जाता है। ठीक है ना, वाक बोध विच किहदे बारे दसिया जाता है, वाक दी बनतर बारे। टिकट नेक्स्ट हुण है व्याकरण दे डैश भाग हुंदे हन, तुहानू सब नू पता है व्याकरण दे चार भाग हुंदे हन। वर्ण बोध विच डैश संबंधी दसिया जाता है, वर्ण बोध विच वर्णा संबंधी। ठीक है जी, वर्ण बोध वर्णा नू जोड़ के डैश बनते हैं, वर्णा नू जोड़ के शब्द बनते हैं। ठीक है बच्चे, तुसी फील करने खुद। अर्थ बोध विच डैश बारे जानकारी दी जाती है, अर्थ बोध विच विरोधी शब्द बारे। ठीक है जी, नेक्स्ट शुद्ध शब्द लिखण लई भाषा दे डैश दा ज्ञान होना जरूरी है, भाषा दे व्याकरण वर्णा नू जोड़ के डैश बनाए जाते हैं, शब्द हर भाषा दे अपने डैश हुंदे हैं, नियम बोल चाल दी भाषा विच डैश शब्दां दी वरतों भी कर ली जाती है। अशुद्ध, ठीक है जी। नेक्स्ट हुण है व्याकरण दी परिभाषा। बच्चे व्याकरण दी परिभाषा जिहड़ी है तुसी इत्थे देखो लिखी हुई ना, व्याकरण दी परिभाषा फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है विद द हेल्प ऑफ योर मदर। बच्चे तुसी क्वेश्चन करना है। ठीक है, फिर अगे है व्याकरण दे किन्ने भाग हैं, उना दे नाम, व्याकरण दे किन्ने भाग हैं, व्याकरण दे मुख रूप विच चार भाग हैं। आप उधर ही लिखते हैं आंसर, व्याकरण दे चार भाग हैं। ओहो किदा हो गया, वर्ण बोध शब्द बोध वाक बोध एंड च अर्थ बोध। ठीक है जी, आ सेकंड आंसर हो गया, समय लग गई, सेकंड क्वेश्चन आंसर हो गया। व्याकरण दी परिभाषा नहीं समझ लग रही बच्चे, मैं तुहानू इत्थे लिखवा दिंदी हां। भाषा दी शुद्ध वरतों लई भाषा दी शुद्ध वरतों लई मौजूद नियम ठीक है जी, पहले प्रश्न का आंसर, दूजे का आंसर। हुण बच्चे इत्थे आ तुसी करो एक्टिविटी करनी है, कुड़ी
पढ़ रही है, रिहा है लिखिया ना, मैं तेनों एक करके दे दूंगी। कुड़ी पढ़ रही है, मुंडा गीत गाउंदा है, मम्मी खाना बनाउंदे हन। हुण आ तीन बच्चे तुसी आप करने, ठीक है जी। इस चैप्टर नूं तुसी बैक एक्सरसाइज नूं पूरी नोटबुक ते और क्वेश्चन आंसर नूं अपनी कॉपी ते नोट डाउन करके मैनूं सेंड करना है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।